यूपी के रहने वाले युवक प्रशांत की मौत उस समय हो गई जब वह अपना मोबाइल नीचे से उठा रहा था, जिसकी जानकारी देते हुए एएसआई पलविंदर सिंह और उसके चश्मदीद साथी ने बताया कि प्रशांत उनके साथ यूपी से वैष्णो माता के दर्शन के लिए जा रहा था कि फोन सुनते हुए उसका फोन नीचे गिर गया। गाड़ी रुकी हुई थी, उसने नीचे उतरकर फोन उठाना ठीक समझा। जैसे ही प्रशांत अपना फोन उठाने के लिए नीचे उतरा, ट्रेन चल पड़ी और उसके हाथ पैर कट गए, जिससे उसकी मौत हो गई। वैष्णो देवी जा रहा था मैं, मेरा दोस्त फोन चला रहा था पठानकोट के पास से, तो चलाते चलाते फोन उनका गिर गया कि पता नहीं क्या हुआ, गिर गया था। तो जो पहचान भैया है वो फोन के चक्कर में कूद गया था सर। वैसे तो उनकी हालत तो अब बचे ही नहीं। वो प्रिंस शर्मा वैष्णो देवी। क्या हुआ रास्ते में? रास्ते में बंदे का फोन गिरा और फोन उठाने के लिए बंदा कूदा और कूदने के चक्कर में वो पहिए के नीचे आ गया और जिसमें कि उसकी दोनों टांगे और एक हाथ घायल, अभी उनकी डेथ हो गई है। बंदे ज़्यादा नहीं गिरे थे, एक केवल एक ही गिरा था बस। आज सवेरे टाटा मोरी एक्सप्रेस जी जम्मू में जा रही थी, वो तो एक नौजवान जड़ा डिग गया, जो जख्मी हो गया, जिन्हों SKR हॉस्पिटल इलाज भी दाखिल कराया गया, उसकी डेथ हो गई है। हूँ बनती कार्रवाई है जी अमल में ली है।